ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। एक तरफ कोरोना की कहर तो दूसरी तरफ गरीबों की आर्थिक तंगी, दो तरफा मार से कहर रहे हैं गरीब। देश में लॉकडाउन लग जाने से पूरा जीवन ही गरीबों के लिए लॉक हो गया है। दिहाड़ी पर अपने जीवन गुजर बसर करने वाले मजदूर को आंखों में सिर्फ दो बूंद आंसू ही बचा है। सरकार के सरकारी फंड भी सिर्फ दिखवा रह गया या यूं कहें कि छलावा है। ऐसे में गैर सरकारी संस्थान ऋषिकेश हितैषणी गृह सभी गरीबों में न सिर्फ हितैषी बना है, बल्कि संस्थान की तरफ से भोजन, संक्रमण रोकथाम के लिए सैनिटाइजर, फेस मास्क का भी लगातार वितरण किया जा रहा है। इस संस्थान ने सभी लोगों को आह्वान भी किया है कि दिया गया मोबाइल नंबर पर संपर्क करें तथा किसी भी तरह का सहायता लेनी हो, हम लोग समाज के लिए खड़े हैं। संस्था के संस्थापक हैं श्रीमान मनीष मिश्र, और यहाँ पे जो हम लोग जब से यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग हर संडे को आते हैं, इसमें हर छोटी बड़ी किसी भी मतलब समस्या हो या कुछ भी परेशानी हो, उसमें जो पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं, जिनके जिन दो लोगों की वजह से हम यहाँ काम हमेशा में वैक्सीन के बारे में मैं हमेशा कहती आई हूँ और आज भी यही कहूँगी कि किसी भी अफवाह में ना आए, किसी भी कहर सुनी बातों को ध्यान ना देते ना बिल्कुल ना दें, और जब भी आपकी बारी आए आप वैक्सीन जरूर लगाएं। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि मैं अपना नंबर स्क्रीन पर डाल रही हूँ, आप जहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं वहाँ तो हम लोग हमारी संस्था पहुँच ही रही है, लेकिन आप भी ऐसी जगह जानते हैं जहाँ पे गरीब लोग, जिनकी अभी तो कोरोना टाइम में जो रोज दिहाड़ी मजदूर वाले लोग हैं, यही लोग का तो काम जाता है ना, ऐसे लोग जहाँ भी आपको पता है आप हमारे संस्था को हमारे नंबर पे संपर्क करके सूचना जरूर दें, हम लोग वहाँ भी पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बात, जैसे कि हर बार मेरा ये रहता है और इस बार भी मैं ये बिना बोले तो अपने बात को विराम नहीं दूंगी, हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, पुलिस कर्मी हैं, नर्स हैं, एम्बुलेंस कर्मी हैं, अस्पताल के जितने भी छोटे बड़े कर्मचारी हैं, जो इस समय सफाई कर्मी, खास करके सफाई कर्मी, जो इस समय पूरा अपना नींद खो के अपने परिवार को भूल के काम में जुटे पड़े हम लोग की जान बचाने में, उनको मेरा बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।